इंटीग्रेशन हमारा यह चैप्टर है और हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। डिफरेंशिएशन हमेशा इंटीग्रेशन के पहले ही पढ़ते हैं और उसके बाद में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में एक खास रिलेशन है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, या हम ऐसा कह सकते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के, तो एक दूसरे के एंटी प्रोसेस होने के कारण हम इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं कभी कभार, हालांकि हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। यदि स्मॉल एफ एक्स इसका डेरिवेटिव है, कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल एफ एक्स का समेशन यानी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स कैपिटल एफ एक्स है। यहां पर एक बात सोचने वाली जरूर है, इस साइन का मतलब होता है समेशन, समेशन ऑफ ऑल एफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर डी एक्स के साथ में। डी एक्स मतलब वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एक्स, वेरी स्मॉल x, that is differential x कहलाता है, और it is the change in x, but यह change है differential change है, differential change होता है infinitely small as possible, तो dx जो भी होता है always tends to zero ही होता है, it is a very small change in x, तो fx into dx का summation capital fx से denote करते हैं, यह इसका anti process होता है और इसलिए डेरिवेटिव अगर कैपिटल एफेक्ट का डेरिवेटिव स्मॉल एफेक्ट है तो स्मॉल एफेक्ट का इंटीग्रेशन कैपिटल एफेक्ट है, तो इतना हमेशा हमको समझना चाहिए। और जैसा कि हमने देखा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होता है साइन एक्स। यहां पर एक कांस्टेंट जरूर जोड़ा जाना चाहिए, ये कांस्टेंट इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि आप यदि डिफरेंशियल करते हैं साइन एक्स को, उसके साथ में यदि किसी कांस्टेंट का भी डिफरेंशियल करते हैं, सपोज एनी कांस्टेंट के, तो डेरिवेटिव तो उसका कॉस एक्स ही होता है क्योंकि के का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, और आप कॉस एक्स का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो सिर्फ साइन एक्स लिख देते हैं यदि आप, तो एक प्रकार से ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, इसका एंटी प्रोसेस नहीं हुआ, तो यहां पर एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। तो ये एक रूल है कि आप इंटीग्रेशन जब भी परफॉर्म करते हैं एक कांस्टेंट जरूर ऐड होता है और यह इस प्रोसेस का ही पार्ट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग फाइंड की जाती है। इसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां इंटीग्रेशन तो हुआ है लेकिन कोई डेफिनेट लिमिट में नहीं हुआ, एक्स की वैल्यू वेरी जरूर हो रही है, कॉस एक्स डी एक्स यानी इंटीग्रेशन समेशन एफ एक्स डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू में चेंज होता है, तो एक्स की वैल्यू अगर चेंज होती चली जाती है तो एफ एक्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, लेकिन ये एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी ऐसा कहीं पर डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से अलग करते हैं और यह इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। यदि यहां लिमिट्स यूज करते हैं तो वहां डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का चैप्टर ही अलग से पढ़ते हैं, इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो यह इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए यह बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी और इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल हो गए सारे। हम यहां पर बेसिक थ्योरम से पढ़ते हैं इसके बाद, बेसिक थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन हम समझ ही रहे हैं यहां पर, तो बेसिक थ्योरम समझते हैं यहां पर। तो कैपिटल एफ एक्स इज द प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, हम यहां पर क्या कहते हैं स्मॉल एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स, उसी तरह कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का प्रिमिटिव हो गया। तो डेरिवेटिव होना और प्रिमिटिव होना अपने आप में एक दूसरे अलग प्रोसेस है, इसका डेरिवेटिव यह है इसका प्रिमिटिव यह है, प्रिमिटिव यानी स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका प्रिमिटिव मिलता है, या प्रिमिटिव कहें या इंटीग्रेंट कहें,
तो यह प्रोसेस इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से, इसके डेफिनेशन हमने समझ ही लिए, साइन हमारा इंटीग्रेशन का यूज होता है, डीएक्स होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में माने जाते हैं। यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं के एफ एक्स डीएक्स, के अगर कॉन्स्टेंट है तो थ्योरम्स हम देख रहे हैं, फर्स्ट थ्योरम देख रहे हैं, कॉन्स्टेंट के को हम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट को आप कभी भी इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, जिस तरह हम डिफरेंशियल में यूज करते हैं। उसी तरह से दो फंक्शन के सम या डिफरेंस का इंटीग्रेशन यदि आप करना चाहते हैं तो आप उन्हें सेपरेट भी लिख सकते हैं, यानी सेपरेट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। रोल थ्योरम, मेन थ्योरम जो है यहां पर, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन इट्सेल्फ द फंक्शन, ये अपने आप में फंक्शन इट्सेल्फ होता है, यानी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें और उसका डेरिवेशन करें, डेरिवेटिव निकाले तो फंक्शन इट्सेल्फ मिल जाता है हमें, यानी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव फाइंड करना एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, एंटी प्रोसेस है। यहां पर यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का तो इसका मतलब हुआ dx से dx कैंसिल हो गया, आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dfx। dfx का अब मतलब समझते हैं, यह मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर इस बात का मतलब समझिए, dfx मतलब डिफरेंशियल पार्ट ऑफ fx, यानी fx का बहुत छोटा सा पार्ट, dfx यानी वेरी स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट ऑफ fx। और इस साइन का मतलब क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, इस साइन का मतलब होता है समेशन, लेकिन इसे थोड़ा लंबा कर दिया तो ये इंटीग्रेशन का साइन बन गया। तो ये हो गया समेशन स्मॉल पार्ट ऑफ fx। अब अगर स्मॉल पार्ट्स का समेशन करेंगे, यानी बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स को एड अप कर देंगे, तो वो पार्ट पूरा हो जाएगा, यानी fx बन जाएगा। तो सीधा सा मतलब है इंटीग्रेशन डी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो बेसिक थ्योरम्स है हमारी है, और इन थ्योरम्स को आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको और अच्छे समझाता हूं। इंटीग्रेशन सेल्स, यानी हमारे शरीर, हमारा जो शरीर बना है छोटी छोटी सेल्स से बना है, अगर मैं समअप कर रहा हूं सारे सेल्स को तो ये हमारी बॉडी बन जाएगा, क्योंकि समेशन यानी समेशन एक जैसी चीजों का सबका सम करना, और सेल्स मतलब इन सबको समअप कर देंगे तो पूरा समअप करने पर हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, दैट इज द बॉडी। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करेंगे यहां पर, उसके बाद पढ़ते हैं हम इंटीग्रेशन के कुछ और रूल्स। हमने जो अभी तक देखे हैं वो सिंपल रूल्स हैं, जिस चीज के आपको डिफरेंशियल याद है उसी डिफरेंट डेरिवेटिव का आप एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, यानी इंटीग्रेंट निकाल सकते हैं, प्रिमिटिव निकाल सकते हैं, यानी आप उसका इंटीग्रेट कर सकते हैं उसी फॉर्मूले से। तो यहां पर आपको 10 तरह के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो साफ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, और इन सबको हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हमारे निकलते जा रहे हैं, और यहां पर मैं आपको कुछ और खास बातें बताना चाहता हूं जो हमारे इंटीग्रेशन के प्रोसेस में बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप डिफरेंशियल करते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी, इस बात का आप ध्यान रखिए, जिस तरह से हम कॉस ए एक्स प्लस बी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल करते हैं और ये हो जाता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, यह लीनियर पार्ट है, यहां भी लीनियर पार्ट होना चाहिए, यानी x की जगह पर यदि ax प्लस बी हो तो
तो हमारे इंटीग्रेशन के प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, और कहां लोग गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं। यहां डिफरेंशियल करते हैं, इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है a, यानी ax प्लस बी का डिफरेंशियल यहां पर मल्टीप्लाई होता है, तो जिसमें b का डिफरेंशियल तो जीरो हो जाता है, x का होता है 1, तो a के साथ में लिख दिया जाता है 1, यानी ax प्लस बी का डिफरेंशियल होता है a, तो यहां इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। यदि आप यहीं पर इंटीग्रेट करते हैं साइन ऑफ ax प्लस बी का, तो यह हो जाएगा माइनस कॉस ax प्लस बी, लेकिन यहां डिवीजन में a आएगा प्लस कांस्टेंट, तो यहां डिवीजन में a आता है। देखिए इस a को आप यहां ले जाइए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ax प्लस बी अपॉन a। यह प्रूफ करने के लिए जब आप सब्स्टिट्यूशन की थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पर इसका प्रूफ होता है, तो मैं आपको इसका प्रूफ भी यहीं पर बता देता हूं कि कैसे इसका इंटीग्रेशन ये होता है। हालांकि यदि आप बिल्कुल बिगिनिंग में है तो हो सकता है आपको सब्स्टिट्यूशन करना ना आता हो, और इस तरह का कोई भी फॉर्मूला जो हमारा डिफरेंशियल में है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, और इस तरह से, तो इस सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल की लिस्ट मैं आपको सामने रखूंगा। पर उसके पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे नियम जरूर समझाना चाहता हूं। तो यह नियम तो हमारे सभी इंटीग्रल पर लागू होंगे, सभी जगह एप्लीकेबल होंगे। तो साइन ax प्लस बी डी एक्स माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए होता है, इसके लिए हम एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी को लिखते हैं टी। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा बी का, तो कॉन्स्टेंट होने के कारण जीरो, ए एक्स का डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव तो एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ए डी एक्स, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी। तो इसको कहते हैं हम डिफरेंशियल, डिफरेंशियल लेना, डिफरेंशियल फाइंड करा हमने यहां पर, इसका डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल, डी टी यहां से हम राइट में ले आए, तो ए डी एक्स इज़ इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं आप, डिफरेंशियल पार्ट लिखा हमने इस तरह से, आप किसी भी पार्ट का डिफरेंशियल लिख सकते हैं। यहां से डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ए तो कॉन्स्टेंट है, आप इसे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डी टी बाय ए हो गया, डी एक्स हो गया डी टी बाय ए, तो यहां dx की जगह आप लिख सकते हैं dt अपॉन a, और साइन ax प्लस b की जगह लिख सकते हैं साइन t, क्योंकि हमने ax प्लस b को t लिया है, तो यहां हो जाएगा साइन t। अब साइन t का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, a यहां पर कांस्टेंट है, साइन t का तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस cos t प्लस कांस्टेंट, माइनस cos t प्लस कांस्टेंट, माइनस कॉस टी, टी की वैल्यू लिख सकते हैं एक्स प्लस बी, फिर से यहां से लिख देंगे हम एक्स प्लस बी की वैल्यू अपॉन ए, क्योंकि यह ए साइन टी अपॉन साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी, और वन अपॉन ए तो ऑलरेडी यहां पर रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में है ये, तो वन अपॉन ए रहेगा, यहां भी रहेगा, तो कॉस टी, टी की वैल्यू हमने एक्स प्लस बी लिख दी प्लस कॉन्स्टेंट। तो कुल मिला के यह इसके साथ प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन जहां भी x है, अब मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, जहां भी x है वहां पर ax प्लस b यदि हो जाए तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। कुछ लोग एक बहुत जबरदस्त गलती करते हैं, और वो गलती मैं आपको बताता हूं, वह गलती यह है कि आपने इंटीग्रेशन लिखने को बोला साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं लोग कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, एक्स की प्लेस में ए एक्स प्लस बी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर यानी लीनियर टर्म हमारी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गई, यह कभी नहीं लिखा जा सकता, यानी इस तरह से लिखना बिल्कुल गलत है। इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो कुछ भी होता है मैं आपके सामने लिखूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, और जितने फॉर्मूले मैं आपके सामने लिखूंगा उसके अलावा आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूले से होते हैं, हमारा सिलेबस ही उन्हीं फॉर्मूलों के आसपास रहता है। तो हम देखते हैं सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स एक के बाद एक, सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखने के पहले हम इस गलती का जरूर ध्यान रखें, ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कभी नहीं लिखा जा सकता ऐसा,
जो कुछ होता है यह होता है, ऐसे फॉर्मूले होते हैं और ऐसे फॉर्मूले को ही याद रखना है। ऐसे मन से बनाए हुए फॉर्मूले कभी काम नहीं करेंगे। जो समझाया गया है वो यह है कि एक्स की प्लेस पे ए एक्स प्लस बी चलता है क्योंकि लीनियर पार्ट ही माना जाते हैं दोनों, और उसके लिए हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट ए से डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह सारे फॉर्मूले में ए से डिवाइड कर देंगे हम, और सारे फॉर्मूलों की लिस्ट आप देखते हैं, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूलों की लिस्ट ही याद रखना बहुत जरूरी होता है इंटीग्रेशन में, और बाकी के प्रोसेस तो हम आसानी से समझ जाएंगे। तो लिस्ट हम तैयार करते हैं सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की एक के बाद एक। फर्स्ट फॉर्मूला हम जो ले रहे हैं वो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx है। x टू द पावर n, n कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर, माइनस वन को छोड़कर। माइनस वन क्यों छोड़ रहे हैं आप देखिए, इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मैं आपको पहले कह चुका हूं, यदि x की जगह पर आप ए एक्स प्लस बी टू द पावर n लेते हैं तो यह इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट लिखना चाहिए हमेशा, टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, साथ ही साथ a से भी डिवाइड करना होगा। तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर n है, यहां पर भी ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होगा। यदि आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा। तो x की जगह पर ए एक्स प्लस बी यूज कर लिया तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो गया। सेकंड बड़ा सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन dx यानी x, यहां वन होता है लेकिन वो साइलेंट, जैसे इंग्लिश में वर्ड लिखा जाता है तो साइलेंट की तरह यूज करते हैं, वो दिखाई नहीं देता। तो वन dx, इंटीग्रेशन dx का मतलब हुआ वन dx, दैट इज x प्लस कॉन्स्टेंट। और यदि आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट इंटू एक्स होगा, क्योंकि कांस्टेंट इंटू एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है कांस्टेंट। तो ये एक नया कांस्टेंट ऐड करना ही होगा हमें यहां पर, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, वन अपॉन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स बाय एक्स। एक्स अगर माइनस वन है, यहां पर n की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती, इसलिए मुझे लिखना चाहिए था यहां पर n नॉट इक्वल टू माइनस वन। n माइनस वन नहीं है, नहीं तो वन अपॉन जीरो हो जाएगा, और n अगर माइनस वन है तो dx अपॉन x हो जाएगा ये। n अगर माइनस वन है तो इंटीग्रेशन वन अपॉन x का माना जाएगा, क्योंकि x की पावर माइनस वन होता है वन अपॉन x। इंटीग्रेशन वन अपॉन x dx बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये होता है लॉग ऑफ बेस ई एक्स, लॉग ऑफ बेस ई x, लेकिन सिर्फ x नहीं, ये होता है mod of x plus c। ज्यादातर बुक्स में mod x नहीं लिखा जाता। मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने लिखा है log x, log mod x, और किसी ने लिखा है log of x, तो log of x गलत है, log mod x इसका सही इंटीग्रेशन है। log mod x ही इसका सही इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं log of mod x का डिफरेंशियल यदि आप करते हैं तो आपको मिलेगा वन अपॉन एक्स। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है कि मॉड एक्स का डिफरेंशियल किस तरह से लिखते हैं। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन। और जितने भी फॉर्मूले हम इंटीग्रेशन के, स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूले पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूलों में लॉग अगर आ रहा है, जिन जिन फॉर्मूलों में लॉग आ रहा है वहां पर लॉग मॉड एक्स की तरह मॉड लगाना जरूरी है। चाहे लॉग में कुछ आ रहा हो, लॉग कॉस एक्स आ रहा हो, लॉग सेक एक्स आएगा, सब तरह के लॉग आएंगे, तो आपको यहां पर इस तरह से यूज करना जरूरी है मॉड। और मैं आपको बताऊंगा कि मॉड इंपॉर्टेंट कितना है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, बहुत सिंपल है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। उसी तरह से ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी अगर हो तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यह सेम होगा इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी, यानी यहां x की जगह पर ए एक्स प्लस बी चलेगा, लीनियर पार्ट चलता है डिवाइड बाय a प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। मैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे तीन तरह से सॉल्व होंगे, या तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व होंगे, या बाय पार्ट्स होंगे,
या सब्स्टिट्यूशन से होंगे। तो पहले हम स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, और उसके बाद बाय पार्ट्स, और बाय पार्ट्स में भी सब्स्टिट्यूशन का यूज होता है। तो सभी मेथड एक के बाद एक पढ़ेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको याद रखना ही होंगे, इनमें से एक भी फॉर्मूला आपको भूलना नहीं चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए इज डिफरेंट टू ई, अगर ए ई से कोई डिफरेंट नंबर है तो इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स होता है ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए, या विद रिस्पेक्ट टू ई होता है, बेस होता है ई। तो आपको यह याद रहना चाहिए हमेशा, यह फॉर्मूला आप डिफरेंशियल में देखते हैं, डिफरेंशियल में ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है, और इंटीग्रेशन में ज्यादातर सभी कांस्टेंट डिवीजन में आते हैं, और डिफरेंशियल में सभी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 6। फिर से लिख लेता हूं एक बार मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे सारे इंटीग्रेशन फिर से लिखने हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स टी एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर से मैं यह बात लिखने रहा हूं कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आपको लिखना होगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट अपॉन ए। तो कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया हमने यहां पर,